हाय गाइस, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट। तो जैसा आप जानते हैं, हमारा वीडियो पार्ट 40 मतलब पार्ट 14, और ये लास्ट वीडियो है इस माघ मेले का। तो अब आप देख सकते हैं, हम जहां से वीडियो स्टार्ट किए थे वापस वहीं पे फिर से आ गए हैं। ये आपको अलग तरह की फ़ोटो दिखा रहे हैं, पार्ट 1 की तरह नहीं है, है वही सब कुछ सेम कॉपी, लेकिन ये काफ़ी ऊँचाई से ड्रोन से और ऊपर से फ़ोटो ली गई है। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो तीन काम ही सबसे ज़रूरी होते हैं, ये तीन काम आप ज़रूर करिएगा। आप देख पा रहे हैं ऊपर से आपको फ़ोटो दिखा जा रहा है खादी ग्रामोद्योग का, जो कि इस साल माघ मेले में दो जगह लगी है। एक आपको चौराहे के पास मिलेगा और एक आपको चौराहे से लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। तो आप देख ही पा रहे होंगे गाइस, ये हमारा माघ मेले के जो वीडियो चल रहे थे उसका पार्ट 14 पार्ट 14 है, जो कि लास्ट वीडियो है इस पार्ट का। और इस पार्ट के बाद से आप कोई वीडियो नहीं आएंगे, एक वीडियो आएगा जो आप शायद कभी नहीं देखे होंगे, वैसा वीडियो ना यूट्यूब पे, सब लाइव देखे होंगे लेकिन यूट्यूब या कहीं पे वैसे वीडियो नहीं मिले होंगे आपको। तो गाइज़, बस वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखेगा और एंड तक ये वीडियो देखिएगा, आपको कुछ अलग दिखेगा। और जो हमारा एक आप लोगों को सरप्राइज़ आने वाला है, मैं आपको पार्ट 12 से ही बता रहा हूँ कि एक सरप्राइज़ आप लोगों के देने वाला हूँ। ऐसा वीडियो जो आप लोग देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो वीडियो देख के चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप देख पा रहे होंगे वही चूल्हा है बड़ा वाला, जो कि चल रहा है फिलहाल। और इधर ये भूत बंगला, जादू टोना, जादूगर, इधर फिर स्लिप करने के लिए बच्चों का, फिर उधर झूला, ये ब्रेक डांस। और फिर गाइस, यही एंड हो गया हमारे सीजन का, हमारे वीडियो के एंड हो गए हैं। तो जितने लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे जितने भी पार्ट हैं सारे पार्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिल से शुक्रिया। तो गाइस, मिलेंगे हम आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।